अस्सलाम वालेकुम हबीबी, मुझे अभी अभी पता चला है कि 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 300 रुपए पर डे के किस्त के हिसाब से आप लोगों को घर मिल रहा है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, नेशन जानना चाहता है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है मुंबई के अंदर 300 रुपए पर डे के हिसाब से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट में स्टेशन के नजदीक घर कैसे मिल सकता है। चलिए संवाददाता के पास। हेलो जी, बिल्कुल मैं सेलेस 612 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा है। अरे बाप रे, मतलब 2 बेडरूम खत्म हो गया। हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया। ओहो, 300 रुपया रोज का देने का है, मतलब टीएमसी बिल्डिंग है और नियर बाय अपना स्टेशन है, और क्या चाहिए इंसान को। तो इस हिसाब से पब्लिक को आसान पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों को आसान पड़ता है। तो मैं खुद भी जा रहा हूँ, आप भी आइए, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें। और कॉल भी तो पता है क्या करना है। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शहरों में आजकल चेन स्नेचिंग और मोबाइल स्नेचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, और लोग रास्तों पर चलते हैं तो काफ़ी डरे सहमे हुए रहते हैं कि न जाने कब कहीं से भी कोई बाइक सवार आए और उनका मोबाइल या चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाए। इसी तरह की चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को थाने क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है और आरोपी का नाम अब्बास जाफरी बताया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बताया कि भिवंडी इलाके से इसे गिरफ्तार किया गया है और इसने अब तक अलग अलग जगहों पर करीब 15 घटनाओं को अंजाम दिया है। इसने चैन और मोबाइल स्नेचिंग के साथ साथ बाइक चोरी की घटना को भी अंजाम दिया है। पुलिस ने इसके पास से 306 ग्राम सोने के जेवर, 3 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन बरामद किया है, यानी कि कुल मिलाकर तकरीबन 23 लाख रुपए का मुद्देमाल पुलिस ने इसके पास से जब्त किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी एक आरोपी वांटेड है जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना पुलिस आयुक्तालय के अधीन में जो कोई स्पीड क्राइम चल रहे हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश हमारे पुलिस आयुक्त माननीय सुंदेश्वर ने दिए थे। उसके हिसाब से क्राइम ब्रांच भी उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा था। इसमें यूनिट 2 भिवंडी के यूनिट को एक उसमें इंफॉर्मेशन थी, एक गुने में एक आरोपी शामिल है अब्बास जब्बर जाफरी उर्फ अली रानी। तो उसके हिसाब से उन्होंने ट्रैप आयोजित किया था शांतिनगर के हद्दी में भिवंडी में, तो वो पकड़ा गया उसमें। और उसको इंटरोगेशन करते समय ऐसा सामने आया कि लगभग उसने 15 चेन स्नैचिंग के गुने किए हैं और दो मोबाइल स्नैचिंग भी के गुने उसने किए हैं और 3 मोटर व्हीकल थेफ्ट किए हैं। जो मोटर व्हीकल इसने ये जो गुने किए उसमें यूज की गई, तो अभी लगभग 306 ग्राम के जेवरात उसमें बरामद हुए हैं, 3 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल इसमें जब्त हुए हैं। लगभग टोटल 23 लाख रुपये का जो माल है उसमें ये किया है, बरामद किया है। और इसमें एक आरोपी अभी वांटेड है, उसका भी सर्च चल रहा है। जैसे ही वो मिलेगा और भी कुछ गुने इसमें ओपन होने की शक्यता है, तो उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। और एक बहुत ही बड़ी कामयाबी क्राइम ब्रांच की यूनिट को इसमें मिली है। इसमें